फ्लाइंग सिख की अनंत उड़ान। सदियों में पैदा होती हैं ऐसी शख्सियत जिसमें कभी स्टारडम का दंभ नहीं रहा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब भी उड़ान की कहानियां कही जाएंगी, तब एक ऐसी शख्सियत का नाम जरूर आएगा जिसने रेस के मैदान में देश और करोड़ों भारतीय युवाओं के सपनों को एक नई ऊंचाई दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की, जिन्होंने अपना बचपन घोर गरीबी में गुजारा और पूरे जीवन भर भारत द्वारा एथलेटिक्स में ओलंपिक का मेडल जीतने का सपना संजोए रहे। किसी भी देश में ऐसी शख्सियत बिरले ही पैदा होती है जो अपने बलबूते पर स्टार बनी हो, लेकिन अपने स्टारडम का दंभ कभी नहीं भरा। मिल्खा को ये बात अंदर तक सालती थी कि भारत में खेल कूद को कैरियर नहीं माना जाता, शायद इसलिए वो अपने बेटे को खिलाड़ी नहीं बनाना चाहते थे। कोरोना महामारी को हराने के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस महान शख्सियत के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को समेटती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास पेशकश। आजाद भारत में खेलों के पहले सुपरस्टार मिल्खा सिंह का शुक्रवार 18 जून को 91 साल की उम्र में निधन हो गया। इस महान धावक ने 4 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 1958 राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। धावक बनने से पहले उनका जीवन दुखों से भरा रहा था। उनकी जिज्ञासा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके निधन से कुछ घंटे पहले डॉक्टरों ने उनकी जांच की और कहा कि उन्हें ताज्जुब हो रहा है कि वो अब तक जीवित कैसे हैं, जबकि इस स्थिति में कोई युवा 2 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता। देश के लिए अनेक बार खेलों में गौरव हासिल करने का कारण बने उड़न सिख मिल्खा सिंह ने कभी नहीं चाहा था कि उनका बेटा जीव कभी खिलाड़ी बने। वे बचपन से ही उसका खेलों से विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा डिग्री लेकर डॉक्टर बने जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। यह खुलासा खुद मिल्खा सिंह ने किया था। भारत में खेलों के प्रति समाज के नजरिए ने उन्हें निराश कर दिया था। उन्होंने कहा कि हॉकी की शान मेजर ध्यानचंद को अपने समय में कुछ नहीं मिला, उन्हें फटे जूते पहनकर खेलना पड़ता था। महान क्रिकेटर लाला अमरनाथ को महज 2 रुपए प्रति मैच फीस मिलती थी। बकौल मिल्खा सिंह, ये उस भारत की स्थिति है जहाँ क्रिकेट का एक खिलाड़ी कुछ एक मैच खेल कर करोड़ों में खेलता है, पुरस्कार और सम्मान उसके कदम चूमते हैं। दरअसल उनका मानना था कि बाजारवाद ने खेलों पर भी अपना शिकंजा कस लिया है, इसके लिए किसी को दोष देना बेकार है। मिल्खा सिंह 130 करोड़ की आबादी वाले देश में एथलेटिक्स का एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाने के कारण अक्सर दुखी होते थे। उन्होंने अपनी पीड़ा कई बार सार्वजनिक रूप से भी व्यक्त की थी। वे कहते थे, मुझे दौड़े 60 साल हो चुके हैं, लेकिन बेहद दुख की बात है कि हमारा ये देश दूसरा मिल्खा पैदा नहीं कर सका। मेरी नजर में आज ऐसा कोई है भी नहीं जिसे देख मैं कह सकूं कि वो ओलंपिक पदक जीत सकता है। वो भारत के लिए एथलेटिक्स में ओलंपिक मेडल की इतनी चाहत रखते थे कि इसके लिए अक्सर योजनाएं बनाते थे। उनका कहना था कि ओलंपिक में मेडल एकदम नहीं आएगा, इसके लिए बड़े प्लान की जरूरत है। हमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को स्कूल स्तर से ही एकत्र करना होगा, लगातार कंपटीशन कराने होंगे, क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी ने 100 मीटर की रेस 11 सेकंड में पूरी की और अगले साल वो इतना भी समय नहीं निकाल पाता है, तो पता लगता है कि हमारी मेहनत कितनी कमजोर है। मिल्खा सिंह ने कहा कि वो जीवन में केवल 3 बार रोए, पहली बार जब विभाजन हुआ, दूसरा ओलंपिक पदक नहीं जीत पाने पर, और अंतिम बार अपने जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग में दोबारा ये सब देखने पर। अब खुशी का वो लम्हा देखना चाहते हैं जब कोई धावक ओलंपिक में पदक जीत कर आए, यही उनकी अंतिम ख्वाहिश थी। पाकिस्तान में 20 नवंबर 1929 को पैदा हुए मिल्खा के 15 भाई बहन थे। विभाजन के कारण उनके परिवार को काफी कष्ट झेलने पड़े थे। विभाजन के दौरान
उनके सात भाई बहनों के साथ माता पिता की मौत हो गई थी। उनका बचपन दो कमरे के घर में रहने वाले परिवार के साथ गरीबी में बीता। इसमें एक कमरा पशुओं के लिए था। मिल्खा का गांव गोविंदपुरा मुजफ्फरगढ़ जिला है, अब वो पश्चिमी पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद मिल्खा के परिवार में भाई बहन के अलावा सिर्फ चार लोग ही बचे थे। 1947 में बंटवारे के दो दिन बाद मिल्खा के गांव में दंगे हो गए। उनके पिता ने मिल्खा को मुल्तान भेजा, जहां उनके बड़े भाई माखन सिंह तैनात थे। माखन तीन दिन बाद कोट अड्डू अपनी यूनिट के साथ पहुंचे, लेकिन तब तक मिल्खा के माता पिता और दो भाइयों को दंगाइयों ने मार डाला था। मिल्खा ने कहा था, मेरे पिता ने मुझे मदद लेने के लिए कहा और इसलिए मैं कोट अड्डू से मुल्तान के लिए ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन पहले की यात्रा से खून से भरी थी और मैं महिला डिब्बे में छिप गया और कुछ महिलाओं से दंगाइयों को न बताने का आग्रह किया। बाद में मैं अपने भाई की पत्नी के साथ एक सैन्य ट्रक में भारत के फिरोजपुर गया। वहां मैं पैसे कमाने के लिए सैनिकों के जूते पॉलिश करता था। मिल्खा ने 1958 एशियाई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 400 मीटर रेस में 47 सेकंड में ही स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इसके बाद उनका दूसरा स्वर्ण ज्यादा खास था। मिल्खा ने 200 मीटर रेस में पाकिस्तान के स्टार धावक अब्दुल खालिद को शिकस्त दी थी। खालिद उस समय जबरदस्त फॉर्म में थे। उन्होंने 100 मीटर रेस को रिकॉर्ड समय में जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। खालिद को एशिया का नंबर वन धावक कहा जाता था। मिल्खा ने खालिद के सामने हार नहीं मानी और रिकॉर्ड 21.6 सेकंड में 200 मीटर रेस को अपने नाम कर लिया। मिल्खा फिनिशिंग लाइन पर टांग की मांसपेशियों में खिंचाव आने की वजह से गिर गए थे। पाकिस्तान में एक प्रतियोगिता के दौरान मिल्खा को दौड़ते हुए देखकर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब खान के होश उड़ गए थे। मिल्खा की प्रतिभा और रफ्तार को देखते हुए अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। पद्मश्री से सम्मानित मिल्खा सिंह ने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। इसी कारण 2001 में जब उन्हें खेलों के सर्वोच्च सम्मान अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये नवोदित प्रतिभाओं को दिया जाना चाहिए। 40 साल बाद अपना रिकॉर्ड टूटने पर इस सच्चे भारतीय ने कहा था, अब धर्मवीर जिसने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था को अपनी राह खुद बनानी होगी। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहन को खो दिया। अंततः वे शरणार्थी बनके ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में वो अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वो दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती में भी रहे। ऐसे भयानक हादसे के बाद उनके हृदय पर गहरा आघात लगा था। अपने भाई मलखान के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और चौथी कोशिश के बाद सन 1951 में सेना में भर्ती हो गए। बचपन में वो घर से स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करते थे और भर्ती के वक्त क्रॉस कंट्री रेस में छठे स्थान पर आए थे, इसलिए सेना ने उन्हें खेल कूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना था। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। उन्होंने सन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण सफल नहीं हो पाए, लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेकिंग्स के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के नए तरीकों से अवगत भी कराया। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वो राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सम्मानित धावक हैं। इन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में उन्होंने पूर्व ओलंपिक कीर्तिमान को ध्वस्त किया, लेकिन पदक से वंचित रह गए। इस दौड़ के दौरान उन्होंने ऐसा राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया
जो लगभग 40 साल बाद जाकर टूटा। पंचतत्व में विलीन हुए मिल्खा सिंह पत्नी की तस्वीर सीने से लगा दुनिया को कहा अलविदा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का शनिवार शाम को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले सेक्टर 8 के गुरुद्वारा साहिब से फूलों से सजे वाहन से मिल्खा सिंह का पार्थिव शरीर शमशान घाट तक लाया गया। अंतिम संस्कार में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। चंडीगढ़ पुलिस और CRPF के जवानों ने सलामी दी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक वीके सिंह बतनौर भी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का पोस्ट कोविड समस्या से शुक्रवार देर रात निधन हो गया था। इसी हफ्ते उनकी पत्नी की भी मौत हुई थी। ICU में भर्ती होने के कारण मिल्खा सिंह अपनी पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे। अंतिम यात्रा के दौरान मिल्खा सिंह पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह की फोटो को सीने से लगा कर रखा था। उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।